आज शुभ शुक्रवार है, शुभ शुभ शुक्रवार के दिन चर्च जाना चाहिए, कहने गए थे। यहाँ देखिए कितना सारा बैगन लगा हुआ है और बड़ा बड़ा फला हुआ है गाइस। हम लोग जैसे चर्च से निकले, चर्च के पास में ही घर था, वे लोग हम लोगों को बैगन दिए फ्री में, और पैसा दे रहे थे लेकिन वो लोग नहीं ली, ऐसे ही दे दी। हम लोग चर्च से लौट रहे हैं और देखिए लोग इतना चढ़ान में स्कूटी को चढ़ा रहे हैं और हमको अकेले छोड़ रहे हैं लोग, बताइए हमको डर नहीं लगेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, हम लोग भी अच्छे ही हैं। और गाइस आज है शुभ शुक्रवार, तो आज हम लोग गए थे चर्च। मैं गई थी, आशीष गया था और कौन गया था? आशीष के मौसा। क्यों नहीं गए थे आप? आज शुभ शुक्रवार है, शुभ शुभ शुक्रवार के दिन चर्च जाना चाहिए, कहने गए थे। तो काम है घर में, घर द्वार ताला लगा के जाना नहीं चाहिए। हाँ तो गाइस बकरी सभी है और घर में कोई नहीं था। हम लोग गए थे पानी गिरा का थोड़ा सा 68। खाना वगैरह हम लोग खा लिए हैं और कपड़ा वगैरह भी मैं चेंज कर ली हूँ, और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। ये देख सकते हैं डेगची कब्र के पास के लिए, गोबर करने के लिए देवर चले गए हैं धान कुटवाने के लिए, और चावल गुड़ी पिसवाने के लिए भी। ईस्टर पहुँच रहा है इसीलिए मेरी देवरानी गई है कढ़ाई किला बाजार। बाजार करती है, सप्ताह में 3 दिन करती है, बंदगा बाजार, चकिया बाजार और कढ़ाई किला बाजार। मैं तो कढ़ाई किला किधर है नहीं देखी हूँ। मेरे ससुर चले गए हैं चर्च से आकर के, खाना वगैरह खाए फिर वो चले गए बकरी चराने। इस तरह से हम लोग का काम ना बट जाता है, सब लोग इधर उधर बिजी हो जाते हैं फिर काम थोड़ा आसान हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। कैसे आप लोगों को ये वाला गाड़ा मैं दिखाई हूँ नदी, हाँ दिखाई हूँ, कैसे नहीं, मछली हम लोग इसी में से तो पकड़े थे ना। ये देख सकते हैं छोटा सा, नदी तो नहीं कह सकते हैं, गाढ़ा बोलते हैं इधर में, गढ़ा। घर के पास में ही है, नज़दीक में ही है ये, तो मैं यहीं से अभी पानी ले जाती हूँ। हाँ नहाते भी हैं, बर्तन भी धोते हैं। अब इसको ले जाती हूँ जल्दी से कब्र के पास। मैं पानी लेके आ चुकी हूँ और ये मॉर्निंग का पानी इतना बाकी है तो इसको भी छोड़ के गए हैं। और ये देखिए कब्र कुछ इस तरह से हो गया है, फट गया है, और सुबह में इसको मैं और मेरी सास हम लोग मिल के इसको छाबे हैं, और ज़्यादा से तो मेरी सास ही की है क्योंकि मुझे ठीक से नहीं आ रहा था तो मेरी सास की है, देख सकते हैं। तो अभी मेरी सास ही यहाँ लिपाई करेगी, हम लोग कुछ और काम से जा रहे हैं। आज के ज़माना में कौन इतना करता है ना, अभी वाली जो मेरी सास है उसकी तो पहले वाली सास सौतन लगेगी दोनों। तो मेरी सास बताती है कि जब से मैं आई हूँ तब से तो हम लोग करते ही हैं, पहले पता नहीं होता था कि नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन आज बता रही थी कि मैं तो जब से आई हूँ तब से ये कब्र को मतलब लिपाई छपाई होता है और कब्र परब में प्रेयर भी होता है। बहुत अच्छी है मेरी सास, सबको लेके ही चलती है। और कभी प्रकाश और मेरे पति में आई मीन जेबियत जी में कभी भेदभाव फ़र्क नहीं करती है। और आज ही बता रही थी मेरे पति को, वो लोग बहुत मुश्किल से पाले पोसे हैं, जब मेरे पति 1 साल के थे तब भी मेरी पहले वाली सास जिसका आप लोग कब्र देखे वो चल बसी किसी बीमारी की वजह से। बोलती है कि जेबियत जी बहुत ज़्यादा रोते थे, 1 ही साल के थे तब, इसलिए बहुत ज़्यादा रोते थे, और मेरे अभी जो ससुर हैं वो परेशान हो जाते थे। मेरी सास की सास बताती थी अभी वाली सास को, ऐसे बता रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सुन करके, थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप सुन रही थी। इसीलिए हम लोग नहीं डांटते हैं इसको, मतलब मेरे पति को, कुछ भी काम वगैरह नहीं जानते हैं, जैसे गाँव का इसे कंधा में ढोना वो सब नहीं जानते हैं मेरे पति, तो मेरी सास बोलती है इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, काम नहीं भी जानते हैं फिर भी हम लोग नहीं डांटते हैं। वो दिन को याद करते हैं, बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किए हैं बोलती है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सोच करके। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने पति को, कभी कभी हम लोग के बीच नोक झोंक होता है लेकिन कभी सीरियसली ऐसे लड़ाई बहुत ज़ोर से वैसा वाला नहीं हुआ है, आई होप से कभी ना हो। अभी हम लोग जा रहे हैं बारी और आशीष देखिए देखिए गाइस आशीष ना बड़ा सा डेगची ढोया है, देखिएगा आज गिरेगा पानी है बाबू नहीं खाली है गाइस। और मेरी सास बोली कि मैं ही गोबर ले जाऊंगी, जाओ तुम लोग बारी, भी आलू पकाएंगे आज, माचिस तो नहीं लेके आए, यहाँ रखो आते समय पानी ले जाएंगे बोल के लेते आ रहे हैं, यहाँ छोड़ रखेंगे, छोड़ दो चलो मैं जा रही हूँ, आशीष जा रहे हैं।
और इधर मेरे पति जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बांदू बटा। कहाँ जा रहे हैं बाबू? बांदू बटा। बांदू बटा। एक सवाल, आप और हम दोनों में से सबसे ज्यादा कौन किसको प्यार करता है? मैं आपसे कि आप मेरे से? हम करते हैं। हम करते हैं झूठ झूठ झूठ। देखिएगा ये चीटिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम करते हैं, है ना आशीष? आशीष दुनागन बाबू, आंसर मी अच्छा जाने बता ना बाबू, बताओ हम कहा जाने बोल रहे हैं। हम सबसे ज्यादा मूसा को प्यार करते हैं कि मूसा हमको सबसे ज्यादा प्यार करता है? बताओ हम कहा जाने, बता बता तुम। ये हम जीते। हम देखो एक बिस्किट खाए आशीष बोर है, तुम मौसा का साइड नहीं ले। शाम में बिस्किट नहीं खिलाएंगे बोर है। ए आशीष, शाम में बिस्किट नहीं खिलाएंगे बोर है मौसा। मैं खिलाऊं, मेरा पास पैसा है। आशीष के पास पैसा है, हम ले जाएंगे ना बेटा। जा ही नहीं सकती है। और क्यों गाइस बताओ, रात में मैं सो गई थी, आपको पता है आशीष मौसा ने हमको नहीं ढक दिया था। इससे ही हम सुबह तक सुबह तक हम ऐसे ही थे, हमको ढक भी नहीं दिया था बताइए। और ठंडा में सुबह नींद खुला तब और हमको ढका नहीं है। फिर सुबह सुबह इनको मैं बोल रही थी और लड़ रही थी कि आप हमको क्यों नहीं ढके कंबल से। हम गलती से वीडियो एडिट करते करते आँख लग गया, सो गए, तो कहे नहीं ढके। बोल करके इनको बोल रही थी कि यही आपका प्यार है इसलिए मैं पूछी इनसे। हम लथिया लथिया के खोल दिए होंगे। हाँ बहुत बारी हम लोग का खाली है, देख सकते हैं बड़ा सा बारी है लेकिन खाली है। ये माइंड लगाया हुआ है, पता नहीं क्या रोक पेगी। ये देख सकते हैं आलू वहाँ तक लगा हुआ है, इसको नहीं कोड़े हैं अभी। और इधर का कोड़े हैं, ये देखिए ये गाड़ा है, उसके जस्ट किनारे ही है हम लोग का बारी। इधर कोड़ चुके हैं इस तरह से, टमाटर है उधर भी। इस बारिश आ चुके हैं और बारिश आने तक मेरी सास आधन चढ़ाई हुई थी, चावल भी डाली हुई थी, फिर मैं खाना पसा ली, खाना पक गया था। उसके बाद मैं बनाई भिंडी और आलू का भुंजिया और फिर मेरी सास को पूछी कि क्या डपकाएंगे, तो मेरी सास बोली पुटकल, तो फिर पुटकल का माड़छोर बनाई हूँ, ये देख सकते हैं। और खाना वगैरह बनते तक मेरी देवरानी भी वापस आ चुकी है और फिलहाल तो मैं पानी चढ़ाई हूँ, गर्म पानी। गाइस हम लोग खाना वगैरह खा लिए हैं, खाना मेरी सास ससुर लोग तो नहीं खाई, मैं खाई और फिर ये खाए और मेरी देवरानी खाई है और बाकी कोई नहीं खाया हम लोग के घर में आज खाना। मैं झूठू उतना मेहनत करके बनाई हूँ ना। बाबू को ना हम लोग बाहर छोड़े हुए थे जब हम लोग खाना खा रहे थे, तब फिर ये अचानक से उठ गया। कैसे उठा बाबू? चाचा रसड़ पसड़ किया तो ये उठ गया ना, डर गया था, भूत होगा सोचा होगा ना तू। सोचो अकेले सो रहा था, सोचा अकेले था तुम बाहर, अगर भूत उठा के ले जाता तो बंदू बट्टा उठा के ले जाता बंदू बट्टा उठा के ले जाता ना। और गाइस आज ना हम लोग बारी गए थे तो किसका आवाज सुने थे बेटा? पीकॉक का आवाज सुने थे। हाँ गाइस हम लोग पीकॉक का आवाज सुने थे, मोर का, और ऐसा लग रहा था ना कि पास में ही है, इस टाइप का लग रहा था ना, लेकिन थोड़ा दूर में ही था। पीहू कर रहा था ना, और हमको लग रहा कोई आदमी है, तो मेरे पति बोलते हैं नहीं मोर है, ऐसे बोल रहे थे। हमारे घर में ना लाइट नहीं है, आई मीन बिजली। कितना दिन हो रहा है? चार दिन जैसा हो रहा है ना, बोल रहे थे ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया है, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है गाइस। तो लाइट नहीं है अभी फिलहाल ब्लॉग एंड करने के लिए। ये देख सकते हैं फ़ोन का टॉर्च मैं जलाई हूँ। बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे ब्लॉग वगैरह शूट करने में क्योंकि मेरा फ़ोन का बैटरी तुरंत तुरंत ख़त्म हो रहा है। और इसको मैं एसआईडी भेजी थी चार्ज करने के लिए मेहमानों के घर में ही, तो ये पावर बैंक चार्ज करके लाए हैं। उसमें से मेरा फ़ोन चार्ज हुआ, फिर इनका फ़ोन चार्ज हुआ, फिर बाबू खेलता है वो वाला मोबाइल भी कैसे किया था बाबू खेलता है वो वाला मोबाइल भी हम लोग चार्ज किए, तो उसका भी शायद बैटरी खत्म हो रहा है पावर बैंक का। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, बाय एवरीवन।